हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि एलईडी को हमें वॉल पे कैसे टांगना है, कैसे लगाना है। तो नई एलईडी के साथ में हमें ये एसेसरीज नहीं मिलती है, तो हमने ये एसेसरीज मार्केट से परचेज करी है। तो देखिए, ये है हमारे पास में एक हैंगर और ये उसका क्लिप है। तो ये हैंगर में कुछ इस प्रकार से लगेगा, ये देखिए, ये छोटे क्लिप हैं और ये इसके साथ में स्क्रूज, वॉल प्लग और छोटे मोटे स्क्रूज है जो हमारी एलईडी के पीछे लगेंगे। और ये क्लिप जो दीवार से एलईडी को दूर करने के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और लगाते हैं ये क्लिप एलईडी के पीछे। तो ये एलईडी के पीछे हमें जो चार पॉइंट मिलते हैं स्क्रू लगाने के लिए, वहाँ पर हम एलईडी के ऊपर जो टॉप की साइड में दो स्क्रू है वहाँ पर हम लगाएंगे बड़े वाले क्लिप को, दोनों को, और जो दो छोटे वाले क्लिप है उनको लगाएंगे हम एलईडी के नीचे जो स्क्रू मिलते हैं वहाँ पे लगाना है। तो हम दोनों क्लिप को ऊपर वाले दोनों पॉइंट के अंदर लगा रहे हैं। तो ये हमारे बिल्कुल कंप्लीट लग चुके हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए कुछ इस प्रकार से ये बिल्कुल लग चुके हैं कंप्लीट एलईडी के पीछे। अब हम जो हैंगर मिला हम उनको वो हम दीवार के ऊपर लगाते हैं। तो इस प्रकार से रख के हमें इसकी मार्किंग ले लेनी है दीवार से। और मार्किंग लेते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये हैंगर बिल्कुल टेढ़ा नहीं लगना चाहिए। अगर आप इसके टेढ़ा लगाते हैं तो आपकी एलईडी टीवी भी टेढ़ी ही टंगेगी और दिखने पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरी बात यह है कि जो इसके जो चार स्क्रू मिलते हैं तो हमें चारों स्क्रू को लगाना है, नहीं कि ऐसा नहीं कि दो स्क्रू लगा दें, हम दो स्क्रू नहीं लगावें क्रॉस के अंदर। तो हम चारों स्क्रू को लगाना है और चारों स्क्रू को मजबूत कसना है या बिल्कुल ही मजबूत लगा के चेक कर लेना है, क्योंकि एलईडी इसके ऊपर ही टंगनी है। अगर स्क्रू मजबूत नहीं होंगे तो आपकी एलईडी कभी भी गिर सकती है नीचे और आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल मजबूती से हैंगर को टांगना है। और इस वीडियो से संबंधित आपसे कोई सुझाव है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये हमारे वॉल प्लग कम्प्लीटली लग चुके हैं, अब हम इसके अंदर लगाते हैं हैंगर। ये हैंगर आपको मार्केट में आसानी से इलेक्ट्रॉनिक की कोई सी भी दुकान पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। और इसकी प्राइस मैं बताऊं तो ये आपको 100 रुपये से 250 रुपये के बीच में मिल जाएगा, वास्ते बड़ी आसानी से। कहीं इसकी रेट 100 रुपये भी है, कहीं इसको अलग अलग वैरायटीज़ में ये मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ दूसरी प्रकार से भी आते हैं, तो उनकी रेट अलग हो सकती है। तो देखिए कम्प्लीटली बिल्कुल लग चुका है। अब देख लेते हैं इसको हिला डुला के, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और बिल्कुल टाइट है। तो अब हम इसके ऊपर लगाते हैं एलईडी टीवी को। तो देखिए ये एलईडी टीवी को बिल्कुल इस प्रकार से अपन को लगाना है कि ये बिल्कुल ही लूज नहीं रहे। तो देखिए टीवी बिल्कुल लग चुकी है कंप्लीट प्रॉपर।